हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शफीक। आप देख रहे हैं एमडी प्लस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में फिर से एक नई लोन एप्लीकेशन लेकर आ गया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जिस एप्लीकेशन की बात करने वाला हूं, दोस्तों इस एप्लीकेशन में आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, केवल आधार कार्ड और एक पैन कार्ड और अपने सेल्फी यानी कि अपने फोटो के एक वीडियो बना के यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। इन्हीं तीन डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस एप्लीकेशन में आपको 5,000 रुपये तक का अमाउंट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे जो इसका टेनोर है अप टू 91 डेज, यानी कि दोस्तों 91 दिन तक यहाँ पे टेनोर दिया जा रहा है। तो दोस्तों आज मैं इसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, अप्लाई करके भी दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं करूंगा आपसे एक रिक्वेस्ट, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलिए हम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और अप्लाई करके यहाँ पे दिखा देते हैं कैसे अप्लाई करना है, देख लीजिए। और उसके बाद दोस्तों हमारे सामने यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे हमें इस बॉक्स पे टिक लगाना है और उसके बाद यहाँ पे हमें अग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों तीन अमाउंट दिखाया जा रहा है। एक है 3,000 रुपये 14 दिन के लिए, दूसरा है 5,000 रुपये 14 दिन के लिए, तीसरा है 5,000 रुपये 91 दिन के लिए। तो दोस्तों अभी जो हम ले सकते हैं वो है 3,000 रुपये 14 दिन के लिए हम ले सकते हैं, ठीक है। बाकी का जो अमाउंट है वो अभी अनलॉक नहीं हुआ है। जब ये पहला वाला अमाउंट लेकर हम रीपेमेंट कर देंगे, उसके बाद दूसरा वाला अनलॉक हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले आपको ये जो पहला वाला है इसको लेकर दिखाते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना पड़ेगा, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो हम जैसे ही अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, हमारे सामने यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। दोस्तों मोबाइल नंबर डालने के बाद हमें यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो हम जैसे ही गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, तो जो हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारा ओटीपी आ चुका है, मैं डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद हमें यहाँ पे इस बॉक्स पे टिक लगाना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें लॉगिन पे क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें फिर से अप्लाई पे क्लिक करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कुछ डिटेल बताई जा रही है। जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो 531 रुपये है, इसका इंटरेस्ट है 41 रुपये। दोस्तों यहाँ पे रीपेमेंट अमाउंट है 3,041 रुपये, ठीक है। लेकिन हमारे अकाउंट में कितना आएगा, 2,469 रुपये। तो दोस्तों ये है इसकी डिटेल, ये सब आप ठीक से पढ़ लीजिए। और उसके बाद दोस्तों सिंपल हमें नीचे यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें 4 स्टेप कंप्लीट करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, बैंक डिटेल, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन कम्प्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमारे सामने यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। दोस्तों यहाँ पे हमें अपना फुल नेम देना है, ठीक है। यहाँ पे हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है, मैरिज स्टेटस बताना है, और उसके बाद यहाँ पे आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आपको बताना है। आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है, फादर्स का नेम देना है, मदर्स का नेम देना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पर्पज़ बताना है, यानी कि आप लोन किस वजह से ले रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे है पर्सनल डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपका घर किसका है, यानी कि फैमिली का है या कंपनी की तरफ से दिया गया है या रेंट पे रहते हैं, वो बताना है। करेक्ट पिन कोड डालना है, करेक्ट एड्रेस डालना है, डिटेल एड्रेस यहाँ पर डालना है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है अर्जेंट कॉन्टैक्ट। दोस्तों यहाँ पे आप दो लोगों की कॉन्टैक्ट डिटेल दे सकते हैं, एक तो आप अपने फैमिली का भी, किसी का भी दे सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आता है दोस्तों कि आप अपने यहाँ पे किसी भी फ्रेंड का दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से किसी का भी दो लोगों का कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये सारी डिटेल अब हम यहाँ पे फिल कर देते हैं और उसके बाद आपको आगे की डिटेल बताते हैं। तो दोस्तों हमने सारा कुछ यहाँ पे कंप्लीट फिल कर दिया है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों हमारे सामने यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है, यहाँ पे हमें परमिशन को अलाउ करना है। तो चलिए हम यहाँ पे परमिशन को अलाउ कर देते हैं। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है हमारा केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का आगे का फोटो अपलोड कर देना है, आधार कार्ड का पीछे का फोटो अपलोड करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आता है आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फेस यहाँ पे यानी कि फेस की एक सेल्फी लेके यहाँ पे अपलोड करनी है। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि आपको यहाँ पे अपलोड कैसे करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे आधार कार्ड के फ्रंट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें कन्फर्म पे क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे हमें एकदम ठीक से अपने आधार कार्ड का फोटो खींचना है, ठीक है। तो चलिए हम उसको खींच लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो हरे कलर की बटन है उस पर हमें क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने आधार कार्ड का बैक का फ़ोटो लीजिए, तो मैं अपने आधार कार्ड का बैक का फ़ोटो ले लेता हूँ।
बैग का फोटो लेने के बाद फिर से हमें ये जो हरी वाली बटन है इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अब यहाँ पे हमें थोड़ी देर वेट करना है, यहाँ पे जो हमारा आधार कार्ड है वो अपलोड हो रहा है। दोस्तों जैसे ही हमारा आधार कार्ड यहाँ पे सक्सेसफुल ऐड हो गया, जो उसका आधार नंबर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो गया है। चलिए अब हम यहाँ पे अपना पैन कार्ड अपलोड कर देते हैं। दोस्तों सेम उसी तरीके से यहाँ पे पैन कार्ड भी हमें अपलोड करना है। अब दोस्तों पैन कार्ड भी अपलोड हो गया, उसका भी नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो गया है। बारी आती है यहाँ पे सेल्फी की, तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इस प्लस वाली बटन पे। तो दोस्तों यहाँ पे अब हमें बताया गया है जो ऊपर वाला चेहरा यहाँ पे दिखाया जा रहा है, बोला जा रहा है यही ठीक है। बाकी यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं बहुत सारी दिखाई गई है, अगर आप ऐसे फ़ोटो खींचेगे तो वो माना नहीं जाएगा। तो जो ऊपर का है यही सही है, आपको इसी तरीके से फ़ोटो यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी फ़ोटो ले लेता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे एक निशान दिया गया है, आपको उसी निशान के बीच में अपना चेहरा रखना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको अपना मुंह खोलना है, बंद करना है, आपको अपना चेहरा इधर घुमाना है उधर घुमाना है। ठीक है, आपको अपनी आँख बंद करनी है खोलनी है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक उसको ले लिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो फ़ोटो का वीडियो है वो भी ऐड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इस कंफर्म वाली बटन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आती है एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे जहाँ पे आप जॉब करते हैं या जहाँ पे आप नौकरी करते हैं वहाँ की डिटेल यहाँ पे आपको डाल देनी है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा, यहाँ पे आपसे कोई भी प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए हम ये अपनी जो एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन है इसको यहाँ पे फिल कर देते हैं, और उसके बाद आगे की डिटेल आपको बताते हैं। तो हमने यहाँ पे सब कुछ फिल कर दिया अपनी कंपनी की डिटेल, अब मैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों अब यहाँ पे आ जाती है बैंक की डिटेल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें आईएफएससी कोड डालना है, उसके बाद यहाँ पे हमें ब्रांच का नेम देना है, बैंक का नेम देना है, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे हमें डालना है। तो चलिए हम ये सारी डिटेल यहाँ पे डाल देते हैं। दोस्तों हमने बैंक की डिटेल भी यहाँ पे फिल कर दिया है, मैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। अभी दोस्तों हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों हम जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा लोन है उसकी डिटेल दिखाई देगी, जैसे कि 3,000 रुपये 14 दिन के लिए, 2,469 रुपये हमारे बैंक में आएगा, और हमें यहाँ पे करना पड़ेगा 3,041 रुपये। ठीक है, यहाँ पे हमारे बैंक की डिटेल दिखाई जा रही है, इसको मैं हाइड कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो बॉक्स है इस पर हमें टिक लगाना है, टिक लगाने के बाद हमें यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों हम जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा, यानी कि कंपनी के पास हमारा एप्लीकेशन पहुंच जाएगा। अब दोस्तों कंपनी हमारे एप्लीकेशन को मतलब चेक करेगी। ठीक है, अभी जो हमारा एप्लीकेशन है वो अंडर रिव्यू है, तो वो कंपनी उसको रिव्यू करेगी, चेक करेगी। ठीक है, और उसके बाद अगर मुझे एलिजिबल कर देती है तो ये जो अमाउंट है मैं इसको अपने बैंक में ले सकता हूँ। तो दोस्तों यही है प्रोसीजर इस कंपनी से लोन को अप्लाई करने का, जो कि हमने आपको बता दिया है। रही बात दोस्तों कि एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन का नाम है रूपी स्टार। दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है, वैसे इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको इस वीडियो में फिर से बता देता हूँ कि अगर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से रिमूव हो जाता है तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक अपलोड कर दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग बड़े ही आसानी से ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाएंगे।